हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रीअपेयरेंस ऑफ एन एंसेस्ट्रल ट्रेट आफ्टर सेवरल जनरेशन इज नोन एज। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हर एक जनरेशन में एंसेस्ट्रल ट्रेट के रीअपेयरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एटविज्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पेरेंट ऑफ वन जनरेशन पास द सेक्स लिंक कैरेक्टर टू द अपोजिट सेक्स इन द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज। इसमें पूछा गया है कि जो मतलब पेरेंट होते हैं, पेरेंट का मतलब एक जन सेक्स लिंक कैरेक्टर का जो पेरेंट होता है एक जनरेशन से मतलब अपोजिट सेक्स वाले जनरेशन में पहुंचता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। यदि यहीं पे सेम सेक्स मतलब जैसे मेल से मेल में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। मेल से डॉटर में जा रहा है यानी कि अपोजिट सेक्स बोला है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलील जीन इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं, जब एक जीन मतलब एक्सप्रेस हो रही है जबकि दूसरे जीन को दबा दे रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एपिस्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज। यदि मतलब जो जेनेटिक मटेरियल अचानक से चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। आई थिंक ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दर मतलब टू जीन ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू बी। मतलब दो जीन हैं जिसके डिफरेंट ट्रेट होते हैं सेम क्रोमोसोम के लोकेशन पर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं। यानी कि लिंकेज, यही तो मतलब जो मेंडल का सेकंड वाला लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही उसका एक्सेप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑल एलील दैट अकर एट ए गिवन लोकस इन सुपर वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। मतलब जो एलील होती है उसके फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन में पाई जाती है, तो उसको हम लोग जीन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ओनली वन ट्रेट इज सेलेक्टेड एट ए टाइम। मतलब हम लोग एक समय पे एक ही ट्रेट का सिलेक्शन होता है, उसको कौन सा सिलेक्शन बोलते हैं, वो उसको हम लोग टेंडम मेथड सिलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है। पहला है इन ब्रीडिंग का मतलब कौन सा सही होगा, इसमें आपको मिलान करना है। पहले का सी होगा यानी कि मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल। सेकंड है आउट ब्रीडिंग का जो ई वाला ऑप्शन है मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल, ये जाएगा। तीसरा है पैन मिक्सिया, तीसरे का डी जाएगा रैंडम मेटिंग। फोर्थ है ग्रेडिंग अप का बी आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन है प्योर ब्रीड इज ऑब्टेंड। फिर पांचवा है क्रॉस ब्रीडिंग का पहला जाएगा न्यू ब्रीड इज मतलब इन्वॉल्व्ड, यानी कि पहला आंसर है। फिर नेक्स्ट मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है। पहला है क्लोज ब्रीडिंग किसके लिए, क्लोज ब्रीडिंग में कौन सा होगा, पहले का सी होगा मोर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ इन ब्रीडिंग, इसका सही है। दूसरे का बी वाले का पहला जाएगा लेस इंटेंसिव फॉर्म ऑफ इन ब्रीडिंग। तीसरा है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, तीसरे का ई जाएगा यानी कि फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ आउट ब्रीडिंग। फोर्थ है आउट क्रॉसिंग का बी वाला आंसर सही होगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आउट ब्रीडिंग। जो पांचवा है क्रॉस ब्रीडिंग, इसका जो डी आंसर है ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन ब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग फिर पेरेंट ऑफ स्प्रिंग मेटिंग फुल सिमेटिंग एंड हाफ सिमेटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन आर रिस्पेक्टिवली। इसमें मतलब इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट बताना है जो सेल्फिंग के द्वारा होता है। पहला है पेरेंट ऑफ स्प्रिंग मेटिंग, फिर दूसरा है फुल सिमेटिंग है, तीसरा हाफ सिमेटिंग फर्स्ट जनरेशन में आपको बताना है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट ऑफ स्प्रिंग मेटिंग होती है इसका मतलब 0.5 होता है, सेल्फिंग वाले का 0.5 होता है, फिर होता है
पेरेंट हाफ स्प्रिंग मेटिंग का 0.25 होता है, फिर फुल सिम मेटिंग का भी 0.25 होता है, जो हाफ सिम मेटिंग होती है इसका 0.125 होता है, यानी कि उसका आधा होता है। तो इसमें जो बी वो सॉरी जो ए आंसर है वो सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेरिटेबिलिटी जो प्रोडक्शन इज, इसमें मैंने बताया था तीन टाइप की हेरिटेबिलिटी होती है, लो मीडियम हाई। तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें लो होती है, जो प्रोडक्शन होता है उसमें मीडियम होती है, जो ग्रोथ होती है उसमें हाई होती है। तो ये मैंने तीनों आपको बताया। मोस्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा कॉमनली यूज होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसका ऑप्शन दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वेरियंस, मीन डेविएशन। तो इसका जो पहला आंसर सही है स्टैंडर्ड डेविएशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज फ्री फ्रॉम यूनिट, इसमें ऑप्शन है रेंज वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस। मतलब आपको मेजर डिस्पर्शन बताना जिसकी मतलब कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसका जो डी आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंपेयर टू वेरियंस, मतलब दो वेरियंस के बारे में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन है यफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है यफ टेस्ट जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब आंसर करेक्ट होगा। काई स्क्वायर टेस्ट में ऑप्शन है इट इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर सेकंड ऑप्शन है इट इज अप्लाइड इन केस इनुमरेशन स्टैटिक्स ओनली, फिर सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है सी बोथ ए एंड बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए सिस्टमैटिक फोर्स, ऑप्शन है रेंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, दूसरा है माइग्रेशन, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है सिलेक्शन। तो इसमें आपको सिस्टमैटिक फोर्स के कौन नहीं है वो बताना है। तो इसका जो पहला आंसर है रेंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट वो सही आंसर है, क्योंकि ये बाकी म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन ये तीनों मतलब सिस्टमैटिक फोर्स होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो सिस्टमैटिक फोर्स होता है वो मतलब नॉन डायरेक्शनल या डायरेक्शनल दोनों हो सकता है। जो मतलब नॉन सिस्टमैटिक होता है वो डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही फ्लो में चलता रहता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए जीन फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.7 एंड स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.3, फाइंड आउट जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट कंडीशन आपको बताना है। तो इसका जो फार्मूला होता है हेट्रोजाइगोट फार्मूला होता है 2PQ। तो उसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आता है इसका 0.42, यानी कि ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिस इन एफ टू जनरेशन बिकॉम्स, मतलब आपको एफ टू जनरेशन में हेट्रोसिस को बताना है। ये हाफ हाफ वन जनरेशन, नॉट फिक्स, फिर डबल ऑफ एफ वन जनरेशन, फिर डी आंसर है नन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है हाफ ऑफ वन जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस अकर इन विच फेज ऑफ सेल डिविजन्स, डीएनए मतलब सेल डिवीजन की वो कौन सी स्टेज है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन है यस फेज, जी1 फेज, जी2 फेज, डी आंसर है नन। तो इसमें जो फ्रेंड्स पहला है यस फेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, क्रॉसिंग ओवर मतलब किस स्टेज में होती है। ऑप्शन है पैकेट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, फिर सेकंड ऑप्शन है डिप्लोट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, फिर तीसरा है मेटाफेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है मेटाफेज ऑफ म्यूसिस सेकंड। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये जो म्यूसिस मतलब कि चार स्टेजेस होती हैं माइटोसिस की, प्रोफेज होती है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये स्टेजेस होती हैं। तो इसमें भी प्रोफेज की जो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन स्टेज होती है एंड डिप्लोटिन, तो जो पैकेटिन स्टेज होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि इसका जो पहला आंसर है वो सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू माइग्रेशन विल डिपेंड अपॉन,
मतलब जीन फ्रीक्वेंसी किसके माइग्रेशन पर डिपेंड करती है, किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेंट्स, फिर सेकंड ऑप्शन है प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेंट, थर्ड ऑप्शन है जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस ऑफ पॉपुलेशन, फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका जो डी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज गवर्न बाई, पॉलीजेनिक मतलब किसमें होती है, कौन गवर्न करता है, किसके द्वारा। ऑप्शन है एपिस्टेसिस, ओवर डोमिनेंस, डोमिनेंस, एडिटिव जीन एक्शन। तो इसका जो डी आंसर है एडिटिव जीन एक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स चेंज द जीन फ्रिक्वेंसी फास्टेस्ट, वह कौन सा फोर्स है जिसके कारण जीन फ्रिक्वेंसी सबसे तेज चेंज होती है। ऑप्शन है माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड सेलेक्शन। इसमें से कौन सा सही है, तो इसका जो डी आंसर है सेलेक्शन जाएगा। नेक्स्ट है विच फोर्स चेंज द जीन फ्रिक्वेंसी स्लोवेस्ट, मतलब वो कौन सा फोर्स है जिसमें जीन फ्रिक्वेंसी स्लो मतलब चेंज होती है। ऑप्शन है म्यूटेशन, माइग्रेशन, सेलेक्शन एंड रेंडम ड्रिफ्ट। तो इसका जो पहला आंसर है म्यूटेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इज हेट्रोगैमिट, मतलब आपको बताना इसमें से फीमेल में किसमें हेट्रोगैमिट होता है। ऑप्शन दिया बफेलो, पिग, पोल्ट्री, ह्यूमन। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें जो फीमेल होती है होमोजाइगस कंडीशन होती है, जो मेल होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। मैमल्स को छोड़ के जो पोल्ट्री होती है उसमें जाएगा, यानी कि बर्ड्स में। इसका जो सी आंसर है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है, इसमें आपको क्रोमोसोम के बारे में बताना है। ऑप्शन दिया गया है पोल्ट्री, पोल्ट्री का कौन सा जाएगा, पोल्ट्री है, फिर ह्यूमन, फिर दूसरा है ह्यूमन मेल, फिर तीसरा है पोल्ट्री मेल, फिर चौथा है ह्यूमन फीमेल। तो जो पोल्ट्री है ये फीमेल की बात कर रहा है, तो जो फीमेल होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि पहले का बी आंसर जाएगा, फिर दूसरा ह्यूमन मेल है। ये तो सभी को पता होगा कि जो मेल होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि डी आंसर जाएगा 44+XY। जो पोल्ट्री मेल होती है इसका होमोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि तीसरे का ए जाएगा, 76+ ZZ क्रोमोसोम होता है। फिर फोर्थ, तो फोर्थ का सी होगा 44+XX ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर्ड प्लूमेज इन पोल्ट्री, ब्रूडीनेस इन पोल्ट्री, रैपिड फीदरिंग एंड स्लो फीदरिंग इन पोल्ट्री, क्रिप्टो आर्किटिज्म इन हॉर्स एंड व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला आर एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। तो इसका बी एंड डी तो होगा नहीं, इसका जो पहला आंसर है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड एग प्रोडक्शन आर एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सेक्स लिंक्ड करेक्टर, सेक्स लिमिटेड करेक्टर एंड तीसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस करेक्टर, फिर डी है नन। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है सेक्स लिमिटेड करेक्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ प्लूमेज एंड फीदर ग्रोथ बोथ आर सेक्स लिंक करेक्टर, द मेथड ऑफ सेक्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स लिंक करेक्टर इन पोल्ट्री इज नोन ए। पोल्ट्री में आपको बताना है कि जो प्लूमेज का कलर होता है, फीदर ग्रोथ होती, दोनों सेक्स लिंक करेक्टर होते हैं, जो मेथड मतलब की जाती है पोल्ट्री में सेक्सिंग, कौन सी मेथड। ऑप्शन है वेंट मेथड, ऑटो सेक्सिंग, प्रोटोस्को मेथड एंड डी है ना। तो इसका जो बी आंसर है ऑटो सेक्सिंग जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क यील्ड एंड ड्रॉट कैपेसिटी ऑफ कैटल इन रिलेशन, मिल्क यील्ड और ड्रॉट मतलब कैटल की जो ड्रॉट कैपेसिटी है उसके बीच कौन सा रिलेशन होता है। ऑप्शन है निगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड डी है नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर है निगेटिव कोरिलेशन, यानी कि पहला आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सेलेक्शन डिफरेंशियल टू द फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ट्रेट इज नोन एज, मतलब आपको बताना है स्टैंडर्ड जो सेलेक्शन डिफरेंशियल को अगर फिनोटिपिक स्टैंडर्ड से डिवाइड किया जाता है तो उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ सेलेक्शन, रिस्पॉन्स टू सेलेक्शन, एक्यूरेसी ऑफ सेलेक्शन, लिमिट ऑफ सेलेक्शन। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, तो
इसका जो सही आंसर है इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन। फ्रेंड्स जो मतलब फार्मूला होता है सिलेक्शन डिफरेंशियल इक्वल टू होता है इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन पूछा गया है तो इसका आंसर मतलब पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोड्यूस ऑफ रियलाइज हेरिटेबिलिटी एंड सिलेक्शन डिफरेंशियल इज नोन एज। यहाँ पे रियलाइज हेरिटेबिलिटी एंड सिलेक्शन डिफरेंशियल के बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, लिमिट सिलेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन, एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला आंसर है रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन वो सही आंसर है, क्योंकि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन होता है रियलाइज हेरिटेबिलिटी इनटू सिलेक्शन डिफरेंशियल। ये आपको याद करना है। पहले जो 31 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, घुमा के पूछा है उसने, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, आपको मिलान करनी, सेक्स लिंक्ड ट्रेट बताना है कि इसमें सेक्स लिंक्ड ट्रेट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सेक्स लिंक पहले का बी आंसर जाएगा, ब्रूडिनेशन पोल्ट्रीज। फिर दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रैक्ट, तो इसका जो दूसरे का सी है यानी कि हॉर्न कंडीशन इन शीप जाएगा। फिर तीसरा है सेक्स लिमिटेड ट्रैक्ट, तीसरे का जाएगा पहला आंसर यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। चौथा है मल्टीपल एलर्जी, इसका चौथे का ई आंसर जाएगा एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल एलर्जी का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। फिर पांचवा है प्लियोट्रॉपी जीन, प्लियोट्रॉपी का आंसर जाएगा डी, डबल मसलिंग जीन इन पोल्ट्री वो इन कैटल, सॉरी कैटल। पांचवे का डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट आर प्रेजेंट ऑन, मतलब जो सेक्स सेक्स लिंक ट्रेट होती है उसकी जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, बोथ। आपको सेक्स लिंक जीन बताना है तो इसका सेक्स क्रोमोसोम यानी कि पहला आंसर होगा। 34 का पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट आर प्रेजेंट ऑन, ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स, सी है बोथ। तो इसका जो बी आंसर है ऑटोसोम वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीन ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेट आर प्रेजेंट ऑन, इसका सेक्स लिमिटेड ट्रेट का भी ऑप्शन है सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम। तो इसका भी ऑटोसोम ही जाएगा। ओनली और ओनली सेक्स लिंक्ड जीन जो होती है उसका सेक्स क्रोमोसोम पे होता है और बाकी दोनों का ऑटोसोम पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन ऑफ टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड हाइपर ट्राइकोसिस आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेंस ऑफ दिस करेक्टर आर ओनली थ्रो मेल, सो दिस करेक्टर ये बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन है होलोजेनिक करेक्टर, डाई एंड्रिक करेक्टर, होलो एंड्रिक करेक्टर एंड होलोजेनिक करेक्टर। तो बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका होलो एंड्रिक करेक्टर यानी कि सी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। पहला है ऑप्शन है मतलब सिलेक्शन टेंडम सिलेक्शन इज लेस ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट कलिंग, फिर उससे भी ज़्यादा है सिलेक्शन इंडेक्स। तो इसका कौन सा सही है, तो इसका जो पहला आंसर है वही सही है। नेक्स्ट फिर आपको मिलान करना है मैच द कॉलम, मिलान करना है। पहला है सिलेक्शन इंडेक्स, सिलेक्शन इंडेक्स 39 का पहले का डी जाएगा, सिलेक्शन इंडेक्स मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ सिलेक्शन। फिर दूसरा है प्रोजेनी टेस्टिंग, दूसरे का सी आंसर होगा मोस्ट एफिशिएंट ऐड टू सिलेक्शन। तीसरा है इंडिविजुअल सिलेक्शन, तीसरे का ए आंसर जाएगा मोस्ट एक्यूरेट ऐड टू सिलेक्शन। फोर्थ है, फोर्थ का सिप सिलेक्शन है, सिप सिलेक्शन का फोर्थ का जाएगा सी, सॉरी फोर्थ का बी जाएगा बेस्ट ऐड टू सिलेक्शन फॉर कार्कस ट्रेट इन सीप। नेक्स्ट फिर मिलान करना है। पहला ऑसबॉर्न इंडेक्स, इसका पहले का सी जाएगा फॉर इंप्रूविंग एक प्रोडक्शन इन पोल्ट्री। फिर दूसरा है सायर इंडेक्स, सायर इंडेक्स दूसरे का डी जाएगा इंडेक्स ऑफ जेनेटिव बर्थ ऑफ सायर। तीसरा है ए बी प्लानोव इंडेक्स, तो इसको बताना है तीसरे का बी आंसर जाएगा फॉर सिलेक्शन ऑफ पुलेट एंड कॉकरेल। चौथा है ब्लूप, ब्लूप वाले का जाएगा
ई मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ इंडेक्सिंग सायर। फिर पांचवा है सिलेक्शन इंडेक्स, ये तो सभी को पता होगा कि बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना विच इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है एनिमल आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओन फिनोटाइप, एनिमल का सिलेक्शन उसके फिनोटाइप के बेसिस पे किया जाता है। फिर दूसरा मोस्ट एक्यूरेट बेसिस सिलेक्शन के आधार पे। फिर तीसरा जनरेशन इंटरवल इज शॉर्टेस्ट एमंग ऑल द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, ये भी सही है। दिस गिव डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू, तो इसका फ्रेंड्स 41 का ई ऑल ऑफ द अबव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल सिलेक्शन एंड पेडिग्री सिलेक्शन आर मोर इफेक्टिव व्हेन हेरिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट, ऑप्शन है हाई लो मीडियम नन ऑफ द अबव, तो इसका पहला आंसर हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेनी टेस्टिंग एंड फैमिली सिलेक्शन आर मोर इफेक्टिव व्हेन हेरिटेबिलिटी ऑफ ट्रेट इज, ऑप्शन है हाई लो मीडियम एंड डी है नन ऑफ द अबव, तो इसका फ्रेंड्स बी आंसर जाएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ सायर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए सायर का यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ कोलेटरल रिलेटिव, फिर सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, फिर थर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ एंसेस्ट्रल, फोर्थ है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेनी, तो इनमें से कौन सा सही होगा। इसका जो सही है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड टू द सिलेक्शन दैट कैन नॉट बी यूज फॉर सेक्स लिमिटेड ट्रैट, ट्रैट विथ लो हेरिटेबिलिटी एंड कार्कस ट्रैट और स्लॉटर ट्रैट, ऑप्शन है प्रोजेनी टेस्टिंग, इंडिविजुअल सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन एंड फैमिली सिलेक्शन, तो इसका जो बी आंसर है इंडिविजुअल सिलेक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट मोर रैपिड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस ऑफ सिलेक्शन, ऑप्शन है इंडिविजुअल सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन एंड प्रोजेनी टेस्टिंग, तो इसका इंडिविजुअल सिलेक्शन इनकी पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिप सिलेक्शन इज टाइप ऑफ, सिप सिलेक्शन किस टाइप का सिलेक्शन, ऑप्शन है पेडिग्री सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्टिंग एंड इंडिविजुअल सिलेक्शन, तो इसका जो फैमिली सिलेक्शन है इनकी बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्जोटिक ब्रीड ऑफ पिग वाइडली यूज्ड फॉर अपग्रेडिंग ऑफ देसी पिग, इसमें कौन सी यूज की जाती है, ऑप्शन है बर्कशायर, लैंड्रांस, LWY, MWY, कौन सा सही है, तो इसका मतलब सी आंसर इज मतलब लो वाइट यॉर्कशायर, ये इनकी LWY वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इफेक्टिव ऐड टू सिलेक्शन फॉर इंप्रूविंग ए सेक्स लिमिटेड ट्रैट, ऑप्शन है प्रोजेनी टेस्टिंग, सिप सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन, कौन सा सही है, तो इसका जो प्रोजेनी टेस्टिंग यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट बेसिस ऑफ सिलेक्शन फॉर एस्टिमेशन आप कार्कस क्वालिटी, ऑप्शन है सिप सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्टिंग, कौन सा सही है, तो इसका जो सिप सिलेक्शन है यानी कि आंसर इज राइट आंसर। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।